लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी में पानी की स्थिति बढ़ती ही जा रही है और शिप्रा नदी इन दिनों लबालब भरी हुई दिखाई दे रही है और शिप्रा के सभी घाट पानी में जलमग्न दिखाई दे रहे हैं और छोटे पुल से 2 फुट ऊपर पानी बहता हुआ दिख रहा है और छोटा पुल पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। इसी चीज़ का एक वीडियो इन दिनों वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से शिप्रा मैया में पानी का बहाव लगातार तेज़ बना हुआ है और शिप्रा के घाटों पर स्थित तमाम मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये नज़ारा है रामघाट का, जहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों को आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से, बारिश की वजह से शिप्रा में पानी का जो जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से ये मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और उज्जैन के रामघाट में शिप्रा किनारे जो रामघाट है वहाँ पर जितने भी मंदिर हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। साथ ही साथ रामघाट के अलावा अन्य घाटों पर भी जो मंदिर है वो भी जलमग्न हो गए हैं और शिप्रा का जलस्तर लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ता ही जा रहा है। छोटा पुल डूब चुका है और अगर लगातार बारिश जारी रहती है तो पानी और भी बढ़ने की आशंका है और शायद जो मंदिर अब तक नहीं डूबे हैं शिप्रा के घाटों पर वो भी आगे चलकर डूब सकते हैं। फिलहाल आप देखिए ये वीडियो जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से शिप्रा के घाट पर जो मंदिर हैं वो पूरी तरह से शिप्रा का जलस्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो चुके हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।